भजन में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? क्यों लगता नहीं? दोनों प्रश्न है। पुराकृत कर्मों के कारण से हमारा भजन में मन नहीं लगता, लगेगा कैसे? जबरन लगाए से। मन तो संसार में भी नहीं लगता था साहब, लेकिन धीरे 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 कैसे? जैसे बेटी को जब आप घर से विदा करते हैं तो बेटी का मन 10 पैसा तो जहां विदा होके जाता है वहां रहता है, 90 पैसा आपके घर में रहता है। धीरे धीरे बेटी का मन लगते 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 साल, 2 साल 4 साल में वही बेटी जो यहां से गई, विदा किया आपने तो रोते हुए गई, 12 साल बाद जब आप लेने जाओ तो क्या बोलेगी? बाबूजी अब आप बताइए ना, यहां सब कोई कोई है नहीं, मेरी मां के लिए मैं कैसे जाऊं? ये काम है वो काम है, कष्ट तो होता है, लेकिन पिता और भाई आंख में आंसू बहाते हुए बेटी के सुख पर, उसकी कर्तव्य निष्ठा पर वापस घर चले आते हैं, लेकिन अंदर से प्रसन्न होते हैं, अब मेरी बेटी अपने घर में सुखी हो गई। ये भक्ति का तरीका। आप ये मान लो धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 12 साल निरंतर बिटिया जैसे अभ्यास करते करते हमारा मन भी भगवान के स्मरण में लग जाएगा, फिर हमारा भगवान जो भेजा है वो भी खुश हो जाएगा कि मेरा बच्चा मेरे में रम गया। धीरे धीरे कलयुग में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, विश्वास जो विश्वास करे कलयुग के समान कोई युग नहीं है। आजकल चर्चा होती है ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा हो गया, सब तरफ हम केवल बुराई का दर्शन करते हैं। थोड़ा अच्छाई का दर्शन करो, विकास हो गया, आदमी पक्षी से भी अधिक गति से पूरी दुनिया के साथ बैठ गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो तार वाला टेलीफोन चलता था, अब जब देहात से कानपुर पढ़ने गए ना तो फोन बजता था तो दौड़ के उठाते थे, बोलते थे हेलो, उधर से आवाज आती थी हेलो, तो आश्चर्य होता था कि ये आदमी वहां से कैसे बोलता है। अब क्या है, आदमी पॉकेट में डाल के घूम रहा है, सबके पास है पॉकेट में, यहां नहीं है तो देखिए यहां भी लोग ये रहते हैं, किसी का फोन आ गया तो कहेंगे कथा में हलू। हाँ कई लोग है प्रेमी लोग कथा सुनते रहते हैं, अच्छी बात, लेकिन कल्पना करो आप, विकास हो गया, विकास को हम स्मरण नहीं करते, हमको अभ्यास हो गया है विनाश का स्मरण करने का। कितनी प्रगति हुई, आदमी चंदा मामा पे चला गया हो। अभी एक दिन नासा ने सूर्य भगवान का चित्र भेजा, आपने देखा होगा, सूर्य भगवान का उनके उपग्रह ने चित्र भेजा है, कैसा ज्वलंत चित्र बाबा का, हमारे प्रभु का, नारायण सूर्य का, असंभव था, वर्तमान ने इतना विकास किया। हम अपने चित्त में अच्छाई का स्मरण करें, बुराई का नहीं। आगे का जो प्रसंग है वो हमारे सद्गुणों का प्रसंग है। कान किस लिए है, क्या सुनने के लिए है? भगवान की चर्चा। आंख किस लिए है, भगवान के ही स्वरूप का दर्शन करना, अथवा जिनका दर्शन करें उनमें हमको भगवान का स्मरण बन जाए। जिह्वा किस लिए है, भगवान के ही गुणानुवाद करने का। प्रातस्मरणी पूज्य गोस्वामी जी महाराज, ऐसा महापुरुषों ने लिखा है,
त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कल युग भय तुलसीदास पुनि। कारण इसका कारण है, श्री राम प्रभु के समय में ही राम जी के चरित्र के बारे में दो ग्रंथ निर्माण हुए। एक का नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरे का नाम है श्रीमन हनुमान नाटक। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने एक ग्रंथ लिखा रामचरित्र पर, उसका नाम है रामायण, और श्री हनुमान जी ने एक ग्रंथ रचा, उसका नाम है श्री हनुमान नाटक। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जब रचित हो गया, निर्मित हो गया, समान भाव में श्री हनुमान जी ने राम जी के चरित्र को जो देखा, समझा, सुना, उसको उस शिलाखंड पर निर्माण कर दिया, अनेक शिलाखंड पर लिख दिया। एक दिन प्रभु को ले जाकर के दिखाया। बच्चों का स्वभाव होता है कि जब कोई कार्य करते हैं तो अपने पिता को, अपने मुखिया को, अपने दादा को, अपने दादी को, अथवा जो उनको बहुत प्रेम करता है उनका दर्शन कर, देखिये मैंने ये बनाया। श्री हनुमान जी भगवान के पास आए, बोले प्रभु मैंने कुछ कार्य किया, आप दर्शन कर लें, अवलोकन करें जरा। भगवान ने देखा, अरे ये तो पूरा मेरा चरित्र लिख दिया। अब भगवान की दोनों संतानें, ऋषि तुल्य की बात और है लीला में, परंतु बाबा वाल्मीकि जी भगवान के अनन्य हैं। यदि हनुमान नाटक का प्रसार हो गया तो फिर बाबा वाल्मीकि जी के ग्रंथ का क्या होगा? भगवान ने कहा कि प्यारे बजरंग देव हनुमान, मैं तो मेरे बारे में कुछ जानता नहीं हूं। ग्रंथ वही महत्व का होता है जिस पर कोई श्रेष्ठ महापुरुष भूमिका निवेदन कर दे। आप कोई ग्रंथ लिखेंगे ना तो उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उस पर भूमिका लिखेगा, तब मान्य होगा। उमा शंकर जी नहीं, तो भूमिका महापुरुष बनाते हैं। परमात्मा की आज्ञा मानकर श्री हनुमान जी वाल्मीकि जी महाराज के यहां गए, दिखाया। बाबा वाल्मीकि जी ने भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा कि एक समय में दोनों ग्रंथ यदि आ जाएंगे तो एक की महिमा रहेगी, एक की महिमा घटेगी, इसलिए किसी को तुलना करने का अवसर न मिले। हे ऋषिदेव, इस ग्रंथ को समुद्र में सुरक्षित कराइए। श्री हनुमान जी के ग्रंथ को बाबा वाल्मीकि जी ने भगवत प्रेरणा से आज्ञा दे दिया, इनको अमुक जगह संरक्षित करा दें, सुरक्षित करा दें। अब हनुमान जी ने ध्यान किया, इनको आपने बताया, हमको बताइए। भाई कोई आदमी तपस्या करे और चाहे कि मेरा ग्रंथ प्रमुख, उनका ग्रंथ द्वितीय, और उनका ग्रंथ प्रमुख मेरा ग्रंथ कैसे द्वितीय, चिंतन आया। भगवान ने आज्ञा दिया, आप ऋषिवर वाल्मीकि जी से वचन ले लें कि आपका जो ये ग्रंथ है यह अगले जन्म में आकर के और इसी के आधार पर दूसरा ग्रंथ निर्माण करेंगे। दोनों लोगों को वचनबद्ध कराया किसने? मेरे प्रभु ने। और समन्वयक मार्ग निकाला, बाबा वाल्मीकि जी ने वचन दिया कि हम कलिकाल में अन्य स्वरूप में आकर के हनुमान जी आपके ग्रंथ की महिमा का गान करेंगे। इसलिए त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कल युग भय तुलसीदास पुनि। पूज्यपाद गोस्वामी जी के स्वरूप में आकर राम जी के चरित्र को यथावत लिखा और वही हनुमान नाटक सहजता प्राप्त करते हुए माँ भगवती अन्नपूर्णा शिव जी की कृपा से हमारे आपके सन्मुख है अनेक भावों के साथ। इसलिए गोस्वामी जी ही त्रेता में वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी ही कलयुग में गोस्वामी जी बनकर इस ग्रंथ की रचना बनाए।
और इतनी महिमा प्राप्त हुई। भाव कहने का यह है, हमारे सामने जो ग्रंथ है वही बाबा वाल्मीकि जी ने त्रेता में बनाया था और फिर गोस्वामी जी के रूप में आकर भागवत जनों के लिए, भक्तों के लिए, सहज समाज के लिए अमृतमय औषधि स्वरूप श्री रामचरितमानस प्रदान किया। अब मेरे प्रभु वन यात्रा के समय जब तीर्थराज प्रयाग पधारे तो तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज से भगवान ने पूछा, आप बताइए हम कहाँ जाएं? ऋषिवर भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपको मार्ग बता सकता हूं, रहने का निवास नहीं। परमात्मा ने कहा कि रहने का वास कौन बताएगा? तो परमार्थ वेत्ता हैं, परमार्थ तत्व के निष्णात पंडित हैं भरद्वाज जी महाराज। बोले, मेरे गुरुदेव भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ने प्रभु श्री राघव को बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर भेजा। वाल्मीकि जी ने स्वागत किया, आदर दिया, कंद मूल फल खिलाया, विश्राम कराया, उठ बैठे, संवाद प्रारंभ हुआ। और तब परमात्मा ने पूछा, हे मुनिदेव आप बताइए मैं कहाँ रहूं? जहां आप कहेंगे वहीं मैं रहूंगा। अध्यात्म रामायण में भी भगवान ने बाबा वाल्मीकि जी से ये पूछा है। वाल्मीकि जी ने अध्यात्म रामायण में प्रश्न किया कि आप कहाँ नहीं हैं? आप जहां नहीं हो वो स्थान हमें आप बताएं तो मैं आपके रहने का स्थान बताऊं। स्मरण रखना होगा, भगवान और बाबा वाल्मीकि जी दो का संवाद है। भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है, हे नाथ आप तो सर्वत्र हैं, आप कौन हैं, आपके वामांग में कौन है और आपके दक्षिणांग में कौन बैठे हैं, ये मैं सब जानता हूं। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर अभिगत अकत नित निगम। आपका स्वरूप अलौकिक है प्रभु, कहने में नहीं आता। वेद भगवान नेत नेत करके रुक जाते हैं, आपके अनंत स्वरूप का वर्णन वेद नहीं कर सकते हैं। मैं क्या कहूंगा, मैं आपको क्या कहूं? आपका स्वरूप सत चित आनंद घन है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकार। आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें। राम जी के स्वरूप को जानने के बाद यात्रा का विश्राम हो जाता है। जो राम जी को जान जाएगा वो जगत को क्या जानेगा? हो जो राम जी को समझ जाएगा वो जगत में सब में सीए राम में जानी विरोध में नहीं पड़ेगा, वो तो आनंद में आ जाएगा। और जहां आनंद वास करता वहां दुख नहीं आता, विरोध में दुख वास करता है। आप भक्त हैं, भक्त को किसी में भेद दिखाई नहीं पड़ता, भक्त सब में अभेद रखता अपने को। इसलिए कहा विगत विकार कौन? आप और आपके भक्त जान अधिकारी। जो आपका अधिकारी भक्त है वही आपके स्वरूप को जान सकता है। वो कौन है? जिसको आप जनाना चाहें। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आपको जानने के बाद वो तो आप जैसा हो जाता, प्रभु आप ही हो जाता है। अब देखिए ना, ऋषि मुनि में, साधक लोगों में, संतों में, भगवान की कथा गाने वालों में हमारा प्रेम क्यों हो जाता है? क्यों?
जो भगवान की कथा गाते हैं, हमको लगता है भगवान तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये हमको भगवान जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हमारा प्रेम उमड़ने लगता है। साधक को क्या चाहिए? भगवान की गाथा जो सुना रहे हैं तो उनमें हम श्रद्धा रखें और भगवान के तत्व जो हमने सुने उनमें हमारा प्रेम बढ़ जाए। भगवान ऐसे हैं, भगवान दयालु है, भगवान कृपालु है, भगवान अभेद है, भगवान अनुरागी है, भगवान सर्वस्व त्यागी है।